अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है बाबर हुसैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बाबर हुसैन। फ्रेंड, आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो बजरी बर्ड की ब्रीडिंग के बारे में, कि अभी गर्मी हो रही है, बर्ड कैसी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस पहले कुछ जैसे देखते हैं जी। तो फ्रेंड, इसमें माशाल्लाह 6 एग्स हैं और तकरीबन इसमें 4 तो फर्टाइल लग रहे हैं, मैंने चेक भी किए थे। ये ऊपर वाला सर देखते हैं, ये कुछ खाली है फ्रेंड्स। आगे वाला देखते हैं, माशाल्लाह इसमें भी 5 एग हैं और 5ों ही मुझे फर्टाइल नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज अब गर्मी होगी, आप कोशिश करें कि सफाई शुरू कर दें अपने केज की, कॉलोनी की, क्योंकि अभी गंदगी से बहुत ही ज़्यादा जर्म्स पैदा होते हैं और बर्ड्स में बीमारी आने का खतरा होता है। तो जितनी कोशिश हो सके आप अपने कॉलोनी केज की सफाई करें। मैं भी अभी अपने केज की सफाई करने लगा था, मगर मैंने कहा पहले मैं वीडियो बना के शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, के बाद ये नीचे वाली देखते हैं, इसमें अभी तक कोई चेयर नहीं लगा फ्रेंड्स। और इसके बाद ये नीचे वाली देखते हैं, माशाल्लाह इसमें 3 आ गए फ्रेंड्स, 3 चिक्स हैं और तीनों ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और देखें कि इसकी इनकी कैसी ग्रोथ हो रही है। देखें माशाल्लाह बेहतरीन चिक्स हैं। और फ्रेंड, आप कोशिश किया करें जब आपके चिक निकले हों तो आप एक के चिक कुजे में रखें, ताकि उनके अच्छी ग्रोथ हो। ये ना हो कि आप छोटे और बड़े चिक इकट्ठे रखें और छोटे चिक नीचे दब के मर जाएं। तो आप सारा कोशिश किया करेंगे अपने चिक्स और आगे पीछे फौसल कर दिया करें। ये कुजा भी खाली है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी गंदगी हो रही है और मैं भी ये सफाई करूंगा, आप भी कोशिश करेंगे अपनी सफाइयाँ करें भी। ये देखें बेहतरीन 3 चिक, एक ही एज के हैं, 2 फैलो हैं, 1 बजरी हैं। ये एक बजरी दूसरे, ये बजरी है जो है ये दूसरे पेड़ का बच्चा है, मगर मैंने सिर्फ पोस्टर किया हुआ है। और कोशिश करेंगे अंदर से अपनी डोलियों छोलियों की सफाई करें। मैं सफाई करता रहता हूँ, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद फिर गंदगी हो जाती है, मैं फिर सफाई कर लेता हूँ। साथ साथ कोशिश किया करें कि सफाई होती रहे फ्रेंड्स। ये ऊपर वाला देखें, माशाल्लाह फ्रेंड्स देखें, इसमें फ्रेंड 6 चिक्स हैं और बेहतरीन ग्रोथ हो रही है इन सारों की। तो ये देखें तो तकरीबन एक ही एज के हैं, तो आप कोशिश किया करें कि एक ही एज के चिक्स जो हैं वो रखा करें, ताकि उनकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ हो। फ्रेंड, ये सामने आप पेड़ आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहा है, ये जो फैलो का मेल है फ्रेंड, ये मेल वही मेल है जो कि मैंने हैंड फीडिंग के ऊपर बड़ा किया था, और मैंने इसकी पूरी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, कि अगर आपका कोई पेड़ बच्चों को ना पाले तो आप हैंड फीडिंग से भी पेड़ को पाल सकते हैं। तो ये वाला जो मेल है, ये भी पुरानी फीमेल है, मगर मेल जो है ये तकरीबन भी 4 से 5 मंथ का हुआ है, अभी फुल अडल्ट भी नहीं है, ना ही इसकी आंखों के अंदर वो रिंग सा बना है। मगर यहाँ पे मेल काम थे तो मैंने डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे फीमेल फालतू थी। और ये देखें, इसने माशाल्लाह पेड़ भी लगा लिया है, और देखें आगे ये ब्रीड करता है कि नहीं, और इसकी ब्रीड आएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये नीचे वाला भी कुजा खाली है, इसके मैंने चिक पोस्टर कर दिए थे, 1-2 इसमें और 1-2 उसमें। ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 1-2 दिन में फिर एग ले कर देगी। और अभी गर्मी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि ये आखिरी ब्रीड इनसे लूं और इसके बाद इनकी ब्रीड बंद कर दूं, क्योंकि मैं पिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला हूं, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर है दूसरे इलाकों की बनस्बत। और फ्रेंड, इसमें देखें, इसमें माशाल्लाह फैलो के चिक्स हैं और 6 चिक्स हैं फ्रेंड्स,
और सारे एक एज के हैं, बेहतरीन ग्रोथ हो रही है, बेहतरीन भी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। और ये चिक्स, इसमें तीन चार चिक्स थे फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें दूसरे जैसे नीचे वाला कुछ है इसके भी चिक मैंने इसमें फॉस्टर कर दिए हैं दो, और दो मैंने इधर फॉस्टर कर दिए थे, और अभी इन दोनों में छः छः चिक्स हैं और बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। इस तरह ये आने वाले दिनों में जल्दी एग ले कर देगी, और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इनसे एक और ब्रीड लेके इनको डोलियों को उतार दूँ और इनको कम से कम दो माह रेस्ट दूँ फ्रेंड। इसके मैंने बच्चे फॉस्टर कर दिए थे, अभी तक इसने एग ले नहीं किए फ्रेंड, इसके मैंने बच्चे फॉस्टर कर दिए थे और बच्चे भी काफ़ी हेल्दी हो गए, इसके मैंने बच्चे फॉस्टर किए थे। ये देखें भी इसमें काफ़ी ये कीड़े हैं और इसने क्या है कि माशाल्लाह ले कर दिए हैं। अभी मैं इसको देख की सफाई भी करूँगा, क्योंकि ये जो माइन होते हैं ये कीड़े ये बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं फ्रेंड, तो आपने भी सफाई लाजमी करनी है, क्योंकि आप अगर सफाई नहीं करेंगे तो आपके चीक में बीमारी आ सकती है, बड़े बर्ड्स भी एक्सपायर हो सकते हैं। और फ्रेंड इसमें देखें क्या सिस्टम है, इसने माशाल्लाह छः एग ले किए हुए हैं और इसके भी तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर इसके चिक्स आना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी टेम्परेचर हो रहा है ज़्यादा, और आप भी अपनी कॉलोनी के जो सफाइयाँ करें और कोशिश करें कि ये जो बाहर लेमिनेशन शीट है लगी हुई है ये देख रहे हैं आप, ये उतार दें। ये भी मैंने उतारनी है, मगर एकदम से आपने सारा कुछ उतार नहीं देना, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है और बर्ड्स एकदम से बीमार हो जाएंगे। आराम आराम से उतारना है। पहले ये देखें मैंने फ्रेंड खाली किया है, फिर इसके बाद मैं ये खाली करूँगा। तो फ्रेंड ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।